बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इमेजरी एंड इट्स टाइप्स। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इमेजरी पे और टाइप्स ऑफ इमेजरी पे कि इमेजरी क्या है और इमेजरी के कितने अकसाम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इमेजरी। इमेजरी क्या है? इमेजरी इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग दैट हैज पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन आवर इमोशंस। फॉर एग्जांपल, इमेजिन द फेस ऑफ समवन यू लव एंड नोटिस द फीलिंग दैट कम विद द इमेज। एंड आवर फिजियोलॉजी, फॉर एग्जांपल, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन सकिंग ऑन लेमन। अब देखिए इमेजरी क्या है। इमेजरी इट इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग जो के अफेक्ट करे, स्ट्रांगली अफेक्ट करे और इमोशंस को। मिसाल के तौर पर, इमेजिन द फेस ऑफ समवन यू लव और इसी तरह आप नोटिस करें द फीलिंग दैट कम विद दिस इमेज। इसी तरह क्लोज योर आईज और इमेजिन करें दैट यू आर सकिंग ऑन अ लेमन। कहने का मकसद यह है कि इमेजरी इट इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग विच हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स ऑन आवर इमोशंस। आर imagery is a type of thinking which affect us physiologically as well as psychologically. Imagery is the use of five senses such as sense of visualization, sense of smell, sense of sound, sense of taste and sense of touch. Imagery kya hai? Hamare jo hawas se hamsa hai, jis tarah sense of visualization hai, sense of smell hai, sense of साउंड है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच है। इन पांच चीजों की जो इस्तेमाल है, जो यूज है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। अब यहां पर जो मेन चीज है जो कि आप लोग ध्यान में रखे वो क्या है कि ये फाइव सेंसेस जो है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद माइंड or it is directly connected or concerned or associated with our mind. In panch senses ka hawa se hamsa ka taluk hamare mind ke sath hai. Therefore, due to this reason, it is said that imagery represent the voice or sound of mind. Because in imagery, we see, feel, hear, taste and touch in the eyes of mind. अब देखिए इमेजरी, जिस तरह हम कहते हैं कि फाइव सेंसेस के इस्तेमाल को हम इमेजरी कहते हैं और ये जो फाइव सेंसेस है इसका डायरेक्ट ताल्लुक किस चीज के साथ है? इसका डायरेक्ट ताल्लुक माइंड के साथ है। इसी तरह इमेजरी में हम किसी चीज को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं और हम सुन सकते हैं इन द आईज ऑफ माइंड। देयरफॉर वी कैन सेज कि इमेजरी क्या है? इमेजरी इट इज द साउंड और इट इज द वॉइस ऑफ माइंड। यानी किसी चीज को दिमाग के नजरों से, किसी चीज को फील करना, किसी चीज को हियर करना, सुनना, टेस्ट करना, चखना, टच करना ये क्या है? दैट इज कॉल्ड इमेजरी। दैट इज कॉल्ड इमेजरी। अब देखिए जिस तरह हम कहते हैं कि इमेजरी के खवास हमसे की जो इस्तेमाल है उसको हम इमेजरी कहते हैं। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइव सेंसेस हम इमेजरी को क्लासिफाइड करते हैं इन फाइव टाइप्स।
As imagery is associated with five senses, that is, sense of visualization, sense of smell, sense of sound, sense of taste, and sense of touch. Therefore, each sense is considered as a type of imagery, such as visual imagery. विजुअल इमेजरी क्या है? ये एक इमेजरी का एक किस्म है, टाइप है. सो विजुअल इमेजरी क्या है? विजुअल इमेजरी डायरेक्टली कंसर्न विद द पावर ऑफ लुकिंग और सीइंग समथिंग्स. इट मीन दैट विजुअल इमेजरी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू द नरेटर आइज. विजुअल इमेजरी में इंक्लूड कलर्स, शेप, साइज एक्सेट्रा. जो विजुअल इमेजरी है, इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? इसका ताल्लुक है पावर ऑफ लुकिंग और सीइंग समथिंग्स. यानी हमारे देखने की जो हिस है, दैट इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी. और विजुअल इमेजरी में हम क्या करते हैं? किसी चीज को देखकर हम अपने जहन में एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, एक इमेज ड्रा कर लेते हैं. यानी किसी चीज को देखकर उसके इमेज को ड्रा करना, उस इमेज को अपने जहन में बनाना, तस्वीर खींचना, दैट इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी. और इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? इसका ताल्लुक किसी चीज के कलर्स, शेप, साइज और पैटर्न के साथ है. जो सेकेंड टाइप है इमेजरी का, दैट इज कॉल्ड ऑडिएट्री इमेजरी. ऑडिएट्री इमेजरी क्या है? ऑडिएट्री इमेजरी इज रिलेटेड विद आवर लिसनिंग कैपेसिटी, सच एज व्हाट वी हियर फ्रॉम म्यूजिक टू नॉइज टू प्योर साइलेंस. इट इंक्लूड्स इंजॉयबल साउंड एंड नॉइज एक्सेट्रा. ऑडिएट्री इमेजरी क्या है? ऑडिएट्री इमेजरी का जो ताल्लुक है, इसका ताल्लुक हमारे सुनने के हिस के साथ है. यानी जो कुछ हम सुनते हैं, सुनने के बाद उसकी जो तस्वीर हम ड्रा करते हैं इन द आईज ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड ऑडिएट्री इमेजरी. और इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? इसका ताल्लुक लिसनिंग कैपेसिटी के साथ, आवाज के साथ है, साउंड के साथ है. अब साउंड बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड. एक को हम इंजॉयबल साउंड कहते हैं, दूसरे को नॉन इंजॉयबल. एक को हम जो इंजॉयबल साउंड है उसको हम म्यूजिक भी कहते हैं, दूसरे को हम शोर कहते हैं. यानी एक है सुरीली आवाज, दूसरा है शोर. अब सुरीली आवाज क्या है? वो आवाज, वो साउंड जो कि आपके माइंड को अच्छा लगे, दैट इज कॉल्ड सुरीली आवाज. और शोर क्या है? वो आवाज जो कि आपके माइंड को, आपको अच्छा ना लगे, दैट इज कॉल्ड नॉइज और शोर. इसको हम शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं. सो यहां पर जो कहने का मकसद है कि जो कुछ हम सुनते हैं, सुनने के बाद किसी भी चीज की जो तस्वीर हम ड्रा करते हैं इन द आईज ऑफ माइंड, इज कॉल्ड ऑडिएट्री इमेजरी. थर्ड टाइप क्या है? द थर्ड टाइप ऑफ इमेजरी इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इमेजरी. ओल्फैक्टरी इमेजरी क्या है? ओल्फैक्टरी इमेजरी डिस्क्राइब व्हाट वी स्मेल. ओल्फैक्टरी इमेजरी में इंक्लूड फ्रेग्रेंसेस सच एज परफ्यूम्स, इंटेंसिंग फूड एंड ड्रिंक्स एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स. सिमिलरली स्मेल सच एज रोटिंग ट्रैश, बॉडी ऑडर्स एक्सेट्रा. ओल्फैक्टरी इमेजरी का ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ स्मेल के साथ है. इट्स इंक्लूड फ्रेग्रेंसेस सच एज परफ्यूम्स, इंटेंसिंग फूड एंड ड्रिंक्स एंड ब्लूमिंग फूड्स फ्लावर्स एक्सेट्रा. सिमिलरली इट्स आल्सो इंक्लूड स्मेल सच एज रोटिंग ट्रैश, बॉडी ऑडर्स एक्सेट्रा. यानी जो ओल्फैक्टरी इमेजरी है, किसी चीज को सुनने के बाद जो तस्वीर, जो नक्शा, जो इमेज हमारे जहन में ड्रा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इमेजरी. यानी किसी चीज को सुनने के बाद जो तस्वीर आपके जहन में, जो पिक्चर आपके जहन में ड्रा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इमेजरी.
फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन इज कॉल्ड गेस्टेट इमेजरी। गेस्टेट इमेजरी डिस्क्राइब व्हाट वी टेस्ट। इट इंक्लूड्स स्वीटनेस, सोरनेस, साल्टनेस एंड स्पाइसीनेस। अब देखिए, गेस्टेट इमेजरी का ताल्लुक, इसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ टेस्ट के साथ है। यानी किसी चीज को टेस्ट करने के बाद जो तस्वीर, जो इमेज आपके जहन में ड्रा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गेस्टेट इमेजरी। और लास्ट वन है टेस्टाइल इमेजरी। टेस्टाइल इमेजरी डिस्क्राइब व्हाट वी फील और टच। टेस्टाइल इमेजरी इंक्लूड टेम्परेचर, टेक्सचर एंड टच एक्सेट्रा। अब देखिए, जो टेस्टाइल इमेजरी है, टेस्टाइल इमेजरी का मकसद क्या है? टेस्टाइल इमेजरी का ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ टच के साथ है। यानी जब आप किसी चीज को टच कर लेते हैं, टच करने के बाद जो आपके जहन में जो तस्वीर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टाइल इमेजरी। अब देखिए, फाइव टाइप्स है किस चीज के? इमेजरी के फाइव टाइप्स है। फर्स्ट वन क्या है? विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी वो इमेजरी है जिसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ विजन के साथ है। सेकेंड वन है ऑडिएटरी इमेजरी। ऑडिएटरी इमेजरी वो इमेजरी है जिसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ लिसनिंग कैपेसिटी के साथ है। थर्ड वन है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी वो इमेजरी है जिसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ स्मेल के साथ है। और गेस्टेटरी इमेजरी, इसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ टेस्ट के साथ है। और जो लास्ट वन है टेस्टाइल इमेजरी, इसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑफ टच के साथ है। यानी आप देखिए, किसी चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद, सूंघने के बाद, टच करने के बाद, टच करने के बाद जो तस्वीर, जो इमेज, जो पिक्चर हमारे जहन में ड्रा की जाती है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। दैट इज कॉल्ड इमेजरी। सो इमेजरी के फायदे क्या है? हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस थ्रू इमेजरी। इमेजरी के फायदे क्या है? इमेजरी के जरिए हम अपने परफॉर्मेंस को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं? सो इमेजरी इज एन इम्पॉर्टेंट मेंटल स्ट्रेटेजी फॉर शेपिंग फ्यूचर एथलेटिक सक्सेस। एक एथलीट की जो टोटल सक्सेस है, इट्स कंसर्न विद इमेजरी। मेनी एथलीट फाइंड इमेजरी हेल्पफुल इन एवलुएटिंग परफॉर्मेंस, प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स एंड फाइंडिंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे प्लेयर्स थ्रू मेंटल रिहर्सल, थ्रू मेंटल प्रैक्टिस, ही एंड शी कैन इजिली एवलुएट हिज हर परफॉर्मेंस। ही एंड शी कैन इजिली प्रैक्टिस न्यू स्किल्स एंड ही एंड शी इजिली फाइंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर एक एथलीट मेंटल रिहर्सल के जरिए अपने परफॉर्मेंस को एवलुएट करके, अपने स्किल्स को एवलुएट करके, अपने इम्प्रूवमेंट को, अपने एरियस पर इम्प्रूवमेंट को एवलुएट करके अपने आप को किसी एक्टिविटीज के लिए तैयार करता है, सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट फिर पॉजिटिव होगा। यानी इमेजरी के जरिए हम अपने आप को किसी एक्टिविटीज के लिए मेंटली तौर पर तैयार कर लेते हैं। और जब आप मेंटली तौर पर किसी एक्टिविटीज के लिए तैयार होते हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो बूस्टअप किया जाता है, वो बढ़ जाता है, वो प्रमोट किया जाता है। सो अब हम बात करेंगे इमेजरी के कुछ और बेनिफिट्स है जो कि यह है। नंबर फर्स्ट, इमेजरी बूस्ट अप कॉन्फिडेंस लेवल। विजुलाइज सक्सेस इन योर ट्रेनिंग और रेसिंग एंड यू कैन सबकॉन्शियसली इंप्रूव योर बिलीफ इन योर एबिलिटीज। अब देखिए, अपने कामयाबी को, अपने सक्सेस को, अपने ट्रेनिंग को क्या करें? इसका आप रिहर्सल करें। क्या करें? मेंटल रिहर्सल करें। मेंटल रिहर्सल का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यह होगा कि जब आप अपने एबिलिटीज की, कैपेबिलिटीज की रिहर्सल करते हैं,
मेंटल रिहर्सल करते हैं तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है तो अल्टीमेटली आपकी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है ये इंप्रूव हो जाता है, इंप्रूव किया जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इमेजरी बूस्ट ऑफ आवर कॉन्फिडेंस लेवल आर द कॉन्फिडेंस लेवल कैन बी इंप्रूव्ड और बूस्ट अप थ्रू इमेजरी। इसी तरह इमेजरी हेल्प्स टू कंट्रोल इमोशंस। इफ एंजाइटी बिगिंस टू क्रीप इन, इमेजरी योर सेल्फ बिगिन कॉम एंड कॉन्फिडेंट। इफ यू आर फीलिंग फटीग्ड, सी योर सेल्फ एज ए पावरफुल एंड करेजियस टू पंप योर सेल्फ अप। अब देखिए, जब भी एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है, आपकी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है ये नेगेटिवली अफेक्ट किया जाता है, यानी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एडवर्सली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। अब इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एंजाइटी के शिकार हैं या एंजाइटी से अपने आप को अवॉइड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ता है इमेजरी की, यानी कि हम क्या करें, हम मेंटल रिहर्सल करें अबाउट आवर प्रैक्टिस, अबाउट आवर स्किल्स, अबाउट आवर एक्टिविटी। इसी तरह इमेजरी हेल्प्स टू इम्प्रूव स्किल्स। प्रैक्टिस फॉर्म एंड स्पोर्ट स्किल्स विदाउट फिजिकल इम्पैक्ट एंड योर ब्रेन विल एक्टिवेट द सेम म्यूजिकल पैटर्न एज इफ यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द स्किल्स। अब देखिए, आमतौर पर इमेजरी में हम क्या करते हैं, इमेजरी में हम साइकोलॉजिकली मेंटली तौर पर किसी एक्टिविटीज की रिहर्सल करते हैं, ना कि हम किसी एक्टिविटीज की फिजिकली वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो रिजल्ट क्या होता है, ड्यू टू मेंटल रिहर्सल ऑफ द एक्टिविटीज हमारा जो स्किल लेवल है वो स्किल लेवल बढ़ जाता है, और जब स्किल लेवल बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली आपकी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है ये इंप्रूव या प्रमोट किया जाता है। इस तरह इमेजरी हेल्प्स वन टू कोप विद इंजरी। इमेजिन द हीलिंग ऑफ एन इंजर्ड एरियाज कैन स्पीड रिकवरी। आल्सो यूजिंग इमेजरी टू प्रैक्टिस वर्कआउट कैन हेल्प प्रिवेंट स्किल्स फ्रॉम वीकिंग ड्यूरिंग इंजरीज। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इमेजरी के रिजल्ट में हम साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली अफेक्ट हो जाते हैं। अब फिजियोलॉजिकल रिकवरी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, साइकोलॉजिकल रिकवरी। अब साइकोलॉजिकल रिकवरी के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, इमेजरी है। अब विद द हेल्प ऑफ इमेजरी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को साइकोलॉजिकल रिकवर कर सकते हैं, और अगर हम अपने आप को साइकोलॉजिकल रिकवर कर लेते हैं सो वी कैन ईजली heal or treat the physiological injuries. So thank you very much for listening to this lecture.